Hi guys, and welcome back to another video of Accounts Adda. Video number 32. Come on, कौन सी वीडियो आ चुकी है आज अभी? 32. और जैसा कि पिछली बार किया था वादा, वादे को पूरा करने आ गए हैं आदा. बैड वन. तो भाई वादे को आज अपन पूरा करने आ चुके हैं. आज अपन बात करने वाले हैं कुछ बची कुची स्पेशल टाइप की एंट्रीज. किस चीज की? आज कुछ बची कुची एंट्रीज कराने वाला हूँ आप लोगों को, जनरल एंट्री की, जहां टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे का काम आता है. मेक श्योर वीडियो नंबर 31 पहले गौतम कीजिए, क्योंकि उसमें अपन ने कुछ स्पेशल एंट्री की थी, चैरिटी, लॉस बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम और इन सब चीजों की किस तरीके से एंट्री की जाती है इन जनरल. आज अपन बात करने वाले हैं कुछ एंट्रीज. ठीक है, चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं. बड़ा सिंपल सा आज का टॉपिक, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट हाँ टिपिकल जो नहीं होता वो भी सबसे ज्यादा टिपिकल होता है. तो चलिए, पहली एंट्री है आपकी परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अगर आप कभी फिक्स्ड एसेट्स बेचें या खरीदें तो उसकी एंट्री क्या होती है? एक चीज ध्यान से समझना, हमेशा याद रखना, गुड्स जब बेचते और खरीदते हैं तो परचेज और सेल वर्ड आता है, पर जब आप एसेट्स बेचते और खरीदते हैं तो एसेट्स का नाम आता है. मशीनरी खरीदी तो मशीनरी का नाम, मशीनरी बेची तो भी मशीनरी का नाम. फर्क इतना होगा, मशीनरी खरीदी तो एसेट आया और एसेट आता है तो डेबिट, मशीनरी बेची तो एसेट गया, एसेट गया तो मशीनरी क्रेडिट. परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी खरीदी तो क्या हो जाएगा? मशीनरी टैक्स भी दिया होगा आपने, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और जी आपने आईजीएसटी दिया हो तो अलग बात है, टू बैंक कैश या जिस बंदे से आपने खरीदी है उसका नाम. ठीक है, मशीनरी खरीदी है तो ये एंट्री, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ जाएगा, बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग आ जाएगी. तो भाई मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू बैंक. अब खरीदने की एंट्री आसान है, बेचने की एंट्री थोड़ी टिपिकल है. ध्यान समझ, अगर मैंने मशीनरी बेची है तो मशीनरी गई, एसेट्स गिरा, एसेट्स कम हुआ तो टू से लिख दोगे मशीनरी. जो इनपुट सीजीएसटी था वो बन गया आउटपुट सीजीएसटी, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं, मतलब जो टैक्स आपका गया है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और अगर स्टेट के बाहर की है तो एसजीएसटी आ जाएगा. ठीक है, अब समझो, मशीनरी जब अपन बेचते हैं तो उसको हो सकता है कि आपको कुछ हो गया फायदा या हो गया कोई नुकसान. तो देखना समझना, अगर होता है फायदा तो यहां उसको ऊपर लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी हो जाएगा क्रेडिट, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट होता है तो हो गया क्रेडिट. और डेबिट में आ जाएगा आपका जिसमें बेची है, कैश में, बैंक में या जिसने खरीदी है परचेजर उसका नाम. आधा कैश आधा परचेजर है, मतलब आधा कैश है आधा उधार है तो आधा कैश डेबिट, आधा परचेजर डेबिट. और अगर आपको गेन नहीं हुआ है, हो सकता है लॉस हो गया हो, तो आप यहां लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. यानी एग्जाम्पल के साथ देखिए, 10,000 की मशीनरी है जिसमें 500 रुपए सीजीएसटी और 500 रुपए एसजीएसटी का अपन ने लिया है, वो मशीनरी को अपन ने बेच दिया 15,000, तो 4,000 रुपए का फायदा हो गया आपका सीजीएसटी और सीएसटी लाके. तो यहां लिखेंगे मशीनरी में 10 की मशीनरी, 500 इसके, 4,000 का प्रॉफिट और इस बंदे के आगे आ जाएगा आपका 15,000. लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी नहीं आएगा. हाँ भैया, राइटिंग बहुत बुरी है, और कुछ है क्या करें? ठीक है, तो भाई ठीक है, हो जाता है कभी कभी, समझ में आ गया ना, बस समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट काम आता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के इंस्टॉलेशन में लगने वाला खर्चा. अब एक बात समझो, मशीनरी 90 की आई कॉस्ट प्राइस, उसको यहां लाते लाते भाड़ा लगा, या मान लो 90 रुपए की मानते ताकि समझ में आते, भाड़ा लगा 3 रुपए, यहां लाके उसको असेंबल करा 5 रुपए और लग गए और असेंबल करके चालू करने तक 2 रुपए और लग गए, तो अल्टीमेटली वो मशीन मुझे 90 की नहीं पड़ी है. आप उस मशीनरी की कॉस्ट प्राइस में लिखेंगे 100 रुपए, आप उस मशीनरी की कॉस्ट प्राइस में कितना लिखेंगे 100 रुपए. तो इसकी एंट्री कोई नहीं है, बस आप इसके प्राइस को मशीनरी के प्राइस में जोड़ दोगे. यानी यहां मशीनरी का जो प्राइस है आपका वो आता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़ के.
अगर मैंने एसी लिया है 34,000 को और उसको लाने लगाने सब करने में 36,000 तक की कॉस्टिंग पड़ जाती है, तो मैं लिखूंगा मेरा एसी मुझे 36,000 रुपए का पड़ा है, 34 का नहीं पड़ा, क्योंकि उसको लाने ले जाने में जो है आपका खर्चा लग गया। फर्म आया। नेक्स्ट आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप समझो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंस, क्या होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़ा है, मतलब खर्चे होने हैं, लेने आ चुका है बंदा पर आपने दिए नहीं, खर्चे होने हैं वो बंदा लेने खड़ा है, भाई दे, मैंने बोला रुक जा, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो मुझे अब तक दे देने चाहिए थे पर मैंने अभी तक नहीं दिए, जैसे मान लो रेंट है, रेंट 12 महीने का मुझे दे देना चाहिए था पर मैंने अभी रेंट आपको दिया है 11 महीने का, एक महीने का रेंट अटका दिया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री बता रहा हूं कैश के साथ जोड़ के, रेंट 12 महीने का दे देना चाहिए था, टू कैश, कैश आपके पास से चला गया 11 महीने का और एक महीने का जो कैश है वो अभी आपने नहीं दिया है, पर आपको अपनी किताबों में दिखाना पड़ेगा कि एक महीने का कैश नहीं दिया, वरना घूमते रह जाओगे रेंट के खाते में इतने पड़े, कैश के खाते में इतने पड़े, एक महीने का बाकी है या लिखना भूल गया। तो ये पता करने के लिए हम एक महीने के रेंट को किस नाम से लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी खर्चा हो सैलरी हो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस हो तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। और अगर मैं सिर्फ ये बात करूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री करनी है, कैश वाले की एंट्री नहीं करनी, तो ये आपकी एंट्री बन जाती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। समझ में आ गया। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक्स्ट्रा दे दिया तो उल्टी साइड लिख दो, जैसे रेंट डेबिट है, रेंट एक्सपेंस है डेबिट होता है, एक्स्ट्रा दे दिया है तो टू रेंट कर देंगे और कम दिया है तो रेंट में ही जोड़ देंगे, यानी डेबिट में ही लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब अब तक नहीं दिया और देना बाकी है, तो रेंट को डेबिट ही रहने दिया और दूसरी साइड आपका क्या हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका अपोजिट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, प्रीपेड बिल भरते ना फोन में, पहले रिचार्ज फिर काम, पहले पेमेंट फिर काम, प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले आपने दे दिया, अब तक जरूरत नहीं थी। 13 महीने का रेंट आप दे चुके हो, देना कितने का था 12 महीने का, मांगा कितना 12 महीने का, अपन ने यार पैसे मिलते टाइम, पैसे आते तो अच्छे लगते हैं सबको, या पैसे मिलते टाइम अपन ने क्या लिख दिया रेंट 13 आया है, खाता में लाया रेंट में 13, रेंट में आना था 12, फिर 13 कैसे आया, 12 क्यों नहीं आया। तो अब रेंट एक महीने का एक्स्ट्रा है तो देखो ज्यादा ले लिया, एंट्री बराबर करने के लिए उल्टा रेंट लिखेंगे, तो टू रेंट क्यों लिखा, एक रुपए का उल्टा रेंट, क्योंकि एक महीने का क्या था प्रीपेड रेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या हुई, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, या रेंट हो तो प्रीपेड रेंट टू रेंट, सैलरी हो तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। समझ में आई ये चीज, अगर ज्यादा दे दिया या ज्यादा ले लिया तो रिवर्स कर दो और दूसरी तरफ आपका ये चारों में से जो केस है वो लिख दो, अगर कम दिया है तो उसी तरफ लिखो दूसरी तरफ वो केस लिख दो, रेंट कम दिया था तो रेंट डेबिट होता है तो रेंट को डेबिट ही लेने दिया, दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग लिख दिया, ज्यादा दे दिया प्रीपेड कर दिया, पहले दे दिया तो रेंट डेबिट होता है उसको कर दिया क्रेडिट और प्रीपेड वाले को कर दिया डेबिट। ठीक है, खर्चा हो गया। अक्रूड इनकम, उसके बाद है अनर्ड इनकम, अनर्ड अब तक नहीं कमाई, अक्रूड कमा ली पर मिली कौन, कमा ली पर मिली नहीं, मैंने काम कर लिया पर मिला नहीं, या 12 महीने काम कर लिया 11 महीने का ही पैसा मिला। कमीशन की बात कर लेते हैं, 12 महीने की कमीशन मिलनी थी, कमीशन पैसा आ रहा है, इनकम टू कमीशन 12 महीने का, मिला कितना मुझे कैश में, रिसीव कितना हुआ 11 महीने का, एक महीने का रिसीव नहीं, कम मिला है तो कमीशन को उसी तरफ रहने दो, इनकम है इनकम की तरफ ही रहने दो, एक तरफ क्या आ जाएगा अक्रूड इनकम एक रुपए, क्यों, क्योंकि कम मिला है, कम दिया है या कम मिला है दोनों एक ही बात है भाई, इनकम अपन को मिला है, इनकम क्रेडिट होती है तो इनकम को क्रेडिट में ही रहने दो, कम मिला है तो दूसरी तरफ क्या लिख दो, ये लिख दो अक्रूड इनकम, क्या लिख दो अक्रूड, कैश कम मिला तो कैश की भरपाई कर दो, ज्यादा है तो उल्टा कर दो, एक ही बात है। अगर कैश की बात नहीं करते सिर्फ आपको अक्रूड इनकम की एंट्री करनी है तो ये कर दो, अक्रूड इनकम की जगह क्या आ जाएगा अक्रूड कम कमीशन, कमीशन। ठीक है, सिंपल था।
गाइस, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझने के हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझने के हैं। इनमें से ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप बोलो सर रट लो, कम ऑन सर रट लो, नहीं रट सकते बेटा। कितना रटोगे, मतलब मुझे बताओ कितना रटोगे, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, पांच, इतनी मोटी किताब से थकी, इतनी मोटी किताब है आपकी, रट के बताओ हिम्मत हो तो। कौन रटेगा, कोई नहीं रटेगा। एक किताब रटोगे दो और निकाल के दू, दो रटोगे चार और निकाल के दू, चार रटोगे छह और निकाल के दू, छह रटोगे कितना कितना समय लग जाएगा निकालने में, ये बताओ कितना समय लग जाएगा आपको ये निकालने में कि भैया क्या क्या रटू, कैसे कैसे रटू। समझ में आया, समझ में आया तो बताओ कितना समय। ठीक है, आगे देखिए, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो कि अब तक नहीं कमाई, ऐसी इनकम जो कि अब तक नहीं कमाई। भाई 12 महीने मैंने काम कर लिया, इसने 13 महीने की तनख्वाह दे दिया मुझे, यानी कि बढ़ गई मेरी लाइबिलिटी की, एक महीने और काम करना बेचारा भूल गया है। इनडायरेक्टली मुझे संकेत दे गया कि सर अगले महीने भी आप चुपचाप आ जाना, बिना बोले चुपचाप आ जाना काम पे। ज्यादा मिल गया, इनकम 12 की मिलनी चाहिए थी, 13 की मिल गई, ज्यादा मिल गई। उल्टी तरफ इनकम लिख दो, कमीशन या इनकम क्रेडिट होती है, ज्यादा मिल गई, उल्टी तरफ लिख दो, कमीशन हो गया डेबिट। ऑल्दो इट इज एन इनकम बट ज्यादा मिल गई है, लाइबिलिटी है इसलिए डेबिट। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अनअर्न्ड नहीं कमाई हुई क्या इनकम, कौन सी इनकम, कमीशन। आसान था, बहुत आसान था, कम ऑन मेरे सब बोलेंगे बहुत आसान था। इसको करने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समझ का खेल है, रटने का काम नहीं है। समय बहुत बलवान है, बहुत बलवान समय है भाई, इतना बलवान है कि बड़े बड़ों को बलवान बना दिया और बड़े बड़े बलवानों को ढेर कर दिया है। आज अपन बात यहां समझने की कर रहे हैं, रटने की नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट को समझो तो आगे बढ़ोगे, रटोगे तो भूल जाओगे। हम भूलते वो है, बहुत नितर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम भूलते वो है जो याद किया होता है, जो समझा होता है उसको भूलने का ऑप्शन है क्या? समझने पे भूलने का ऑप्शन किसी ने दिया है क्या? नहीं दिया ना। भूलने का ऑप्शन कहां दिया है? याद करने, याद के साथ भूलना आता है, समझने के साथ भूलने का ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, आप कहीं देखा होगा, आप इंस्टा वगैरह चलाते हो, डू यू लव मी, पहला ऑप्शन यस और दूसरा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, जवाब दे बेटा, दे जवाब दे, नो को ऑप्शन नहीं दिया। उसी तरीके से याद करने के साथ भूलने का ऑप्शन है, समझने के साथ भूलने का ऑप्शन नहीं है। चीजों को समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। आखिरी अंतिम पड़ाव की बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में, इसके बारे में, डेप्रिसिएशन, वॉट इज एप्रिसिएशन, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज एप्रिसिएशन। यानी कि समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय निकलता है, आपके एसेट्स, आपकी मशीनरी, आपकी बाइक, आपके फर्नीचर, आपकी बिल्डिंग जो है वो खराब हो जाती है, वो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। फोन मैंने 15,000 का लिया था, आज उस फोन की कीमत 12,000। आईफोन एक्स मैक्स अगर किसी समझदार व्यक्ति ने लिया था 144,000 का, वहां पर बेचने जाएगा, बोलेगा कितने चाहिए, 144,900 का था, देख लो 1,00,000 लेगा यार, कल लिया है 90,000 ले ले तो। यार अभी मैं लेके आया हूं 80,000 ले ले। तो भाई क्या हो रहा है, समय के साथ चीजों की जो कीमत है उसमें गिरावट आ रही है। तो जब समय के साथ चीजों की वैल्यू में गिरावट आती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको क्या हम बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब देखो, जब अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उससे क्या हुआ, मशीनरी की कीमत अगर 1,00,000 थी तो वो गिर के रहेगी 90,000। तो एसेट्स में आई गिरावट, तो जब एसेट्स में गिरावट आई, एसेट्स कम हुए, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट कम होता है तो क्रेडिट, तो एंट्री तो क्या हो गई, टू मशीनरी। और गिरावट क्यों आई, क्योंकि डेबिट में क्या चल गया है आपका, डेप्रिसिएशन। ऑल्दो डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, डेप्रिसिएशन क्या है आपका, लॉस है। तो जब लॉस होता है तो लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड, लॉस को आप हमेशा डेबिट करते हो, ये बात आप लोगों को पता है। तो लॉस डेबिट इज डेप्रिसिएशन डेबिट, और उस लॉस की वजह से मशीनरी की कीमत में गिरावट आई, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, इसलिए मशीनरी क्रेडिट और डेप्रिसिएशन डेबिट। गेट दैट और नॉट, कंप्लीटली गेट दैट, जस्ट बिकॉज समझा है याद नहीं किया है। लास्ट चीज आपको बताते हैं, एक एंट्री आपको बताते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज और विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इन दोनों की एंट्री में डिफरेंस बताना।
विड्रॉ फॉर बैंक फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, क्या बोलोगे साधारण भाषा में, चित्रकला, ड्रॉइंग। कहां से गया पैसा, आपके खाते से गया, आपके करंट अकाउंट से पैसा निकला है तो पैसा कम हो गया, तो ड्रॉइंग टू बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए निकाला यानी कि घर में लेके जा रहे हो, खाते से पैसा निकाला कंपनी में लगा दिया, खाते से कंपनी के खाते में से पैसा निकालो, कंपनी को कैश दे दी, कैश की आवश्यकता थी तो बैंक में से पैसा गया तो टू बैंक कैश, तो आपका जो खाता है उसमें पैसे कम हो गए। और भरे कहां पे, कंपनी की जेब में, तो क्या डेबिट हो जाएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जस्ट बिकॉज आपके खाते में से पैसे कम हुए पर कंपनी में पैसे बढ़ गए। और अगर आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो भाई क्या हुआ, खाते में से पैसे कम हो गए और कंपनी के पास पैसे नहीं बढ़े हैं, प्रोप्राइटर की जेब में पैसे चले गए एज अ ड्रॉइंग। समझ में आया, तो भाई ये दो चीजें आपकी कैशबुक में बड़ी काम आने वाली है, इसको तब समझेंगे। आज के लिए काफी नेतागिरी हो गई, कल वापस मिलेंगे आपसे सेम प्लेस सेम टाइम फॉर डूइंग द सेम थिंग। क्या रटना नहीं है, समझना है, याद नहीं करना है, समझना है, याद करेंगे तो भूलेंगे, समझेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, भूलने का ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल से मिलेंगे, टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स एंड टिप्स, डू लाइक कमेंट, टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स एंड टिप्स, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप ऑन वॉचिंग।